हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन का पार्ट 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारतीय भोजन। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है परिचय। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? परिचय। भारत की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता के साथ साथ यहाँ के लोगों के भोजन में भी विविधता पाई जाती है। तो बच्चों, हमारी जो भारत की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता है, उसी प्रकार के यहाँ पर भोजन में भी क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। भारतीय भोजन अपने मसालों व जायके के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ठीक है बच्चों, मसाले और जायके, जो हमारी सलाद वाली सब्जियां होती हैं उसके लिए। भारतीय भोजन की अपनी एक विशिष्टता और यही कारण है कि आज विश्व के लगभग हर देश में भारतीय भोजनालय स्थित होने के साथ साथ लोकप्रिय भी हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार भारत की जलवायु व भूभाग प्रत्येक स्थान पर एक समान नहीं है, उसी प्रकार यहाँ का भोजन भी सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों के लोग अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। जैसे उत्तर भारत के लोग गेहूं से बने भोज पदार्थ का तथा दक्षिण भारत के लोग चावल से बने भोज पदार्थ का अधिक सेवन करते हैं। तो बच्चों, जिस प्रकार हमारे भारत की जलवायु व भूभाग एक समान नहीं है, कहीं पर अधिक गर्मी रहती है, कहीं पर अधिक सर्दी रहती है, ठीक है, कहीं पर मौसम सामान्य रहता है, इसी प्रकार भूभाग कहीं पर मरुस्थल है, कहीं पर पहाड़ पर्वत हैं, इस प्रकार से एक समान नहीं है, उसी प्रकार से यहाँ के जो भोजन है वो भी एक समान नहीं है। जैसे कि उत्तर भारत में लोग गेहूँ से बने भोज पदार्थ खाते हैं और दक्षिण भारत के लोग चावल से बने। ठीक है बच्चों, आगे दी हुई है अगली हेडिंग, विविध प्रकार का भोजन। ठीक है, विविध प्रकार का भोजन, तो देखते हैं विविध प्रकार का भोजन। क्षेत्रों के आधार पर भारतीय भोजन को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। किसके आधार पर बांटा गया है बच्चों? क्षेत्रों के आधार पर। ठीक है, क्षेत्रों के आधार पर मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, पहले नंबर पर दिया हुआ है उत्तर भारतीय भोजन, दूसरे नंबर पर दक्षिण भारतीय भोजन, तीसरे नंबर पर पूर्व भारतीय भोजन और चौथे नंबर पर पश्चिम भारतीय भोजन। ठीक है बच्चों, तो इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। उत्तर भारत में किस प्रकार से कौन सा भोजन खाया जाता है? ठीक है, साइड में दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं भारत विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता तथा निर्यातक है? तो बच्चों, जो भारत है, भारत में विश्व के सबसे अधिक मसालों का क्या होता है? उत्पादन होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उपभोग भी हम ही करते हैं, मतलब भारत के लोग ही इसको खाते हैं, और सबसे अधिक निर्यात भी भारत के लोग ही करते हैं। निर्यात मीन्स होता है दूसरे देशों को बेचना। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हेडिंग दी हुई है उत्तर भारतीय भोजन, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? उत्तर भारत में किस प्रकार का भोजन खाया जाता है? ठीक है बच्चों, उत्तर भारतीय भोजन अपने स्वाद और तड़के के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है बच्चों? स्वाद और तड़के के लिए। ठीक है, यहाँ के लोग भोजन में एक से अधिक व्यंजनों का सेवन करते हैं। ठीक है, उत्तर भारत का भोजन किस लिए जाना जाता है? स्वाद और तड़के के लिए। ठीक है, नीचे दिया हुआ है, कश्मीर में अधिकांश व्यंजन चावल, मांस आदि से बनाए जाते हैं। तो जो कश्मीर है, उसमें जो व्यंजन है, भोजन है, वो किससे बनाए जाते हैं बच्चों? चावल तथा मांस से। यहाँ के लोग साग का सेवन अधिक करते हैं, जो हरी पत्तेदार सब्जी हक से बनाया जाता है। तो यहाँ के लोग क्या पसंद करते हैं बच्चों? साग। ठीक है, जो किससे बनाया जाता है? हरे पत्तेदार सब्जियों से। ठीक है, यहाँ पर चित्र में बनाकर दिया भी हुआ है, ये क्या है? साग, जो कि हरे पत्तेदार सब्जियों से बना है। आगे नीचे दिया हुआ है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में जौ, गेहूं, चना, बाजरा, चावल आदि अनाजों के आटे से चपाती, रुमाली, तंदूरी, नान आदि विभिन्न प्रकार की रोटियां बनाई जाती हैं, जिन्हें विभिन्न प्रकार की दालों,
सब्जियों, कड़ी, सरसों का साग आदि के साथ खाया जाता है। तो बच्चों, जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं, वहाँ पर किससे बना अधिक अनाज क्या खाए जाते हैं? जौ, गेहूँ, चना, बाजरा और चावल, ठीक है। और यहाँ पर रोटियाँ किस किस प्रकार की मिलती हैं? चपाती, रुमाली, तंदूरी और नान, ठीक है बच्चों, ये रोटियों के प्रकार हैं। और सब्जियाँ कौन कौन सी? दालें, हरी सब्जियाँ, कड़ी, सरसों तथा साग, ठीक है, ये अधिक मात्रा में खाए जाते हैं। आगे दिया हुआ है, उत्तर भारत के लोग अपने भोजन में दूध, मट्ठा, मक्खन, घी, पनीर, मेवे आदि का भी सेवन करते हैं। इसी के साथ साथ मीठे पदार्थों को भी वरीयता दी जाती है, ठीक है, मीठे पदार्थ भी पसंद किए जाते हैं। तो उत्तर भारत के लोग भोजन में क्या क्या प्रयोग करते हैं बच्चों? दूध, मट्ठा, मक्खन, घी और पनीर, ठीक है, और मेवे, इसके साथ साथ मीठे पदार्थ भी खाए जाते हैं। आगे अगली हेडिंग दी हुई है, दक्षिण भारतीय भोजन। अब हम दक्षिण भारत के भोजनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु तथा केरल राज्यों के लोग चावल से बने पदार्थ जैसे डोसा, इडली, बड़ा आदि को सांभर व नारियल की चटनी के साथ खाते हैं, ठीक है बच्चों। इसके अतिरिक्त यहाँ नारियल का भी अधिक प्रयोग किया जाता है। मुरब्बा, अप्पम, तली झींगा, चावल पुट्टू आदि भी यहाँ खाए जाने वाले प्रमुख व्यंजन हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर दिया हुआ है चित्र में, ये क्या है? सांभर और डोसा, ठीक है, ये क्या है? इडली, ठीक है, और ये अप्पम, और ये है चावल पुट्टू, ठीक है बच्चों। ये कौन से? दक्षिण भारत में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ हैं। आगे दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश का मुख्य भोजन हैदराबादी बिरयानी है। इसे अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए मेवों और मसालों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आंध्र प्रदेश की जो मुख्य भोजन है वो क्या है? हैदराबादी बिरयानी, ठीक है। आगे दिया हुआ है अगली हेडिंग, पूर्व भारतीय भोजन। अब जो हमारे पूर्व के राज्य हैं उनमें कौन कौन से भोजन खाए जाते हैं? पूर्व भारत में बंगाल व असम के लोगों का मुख्य भोजन मछली भात है, ठीक है बच्चों। कहाँ कहाँ के? बंगाल व असम के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? मछली भात। बंगाली लोग अपने भोजन में कई प्रकार की मछलियाँ खाना पसंद करते हैं, ठीक है। यहाँ की विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ जैसे रसगुल्ला, संदेश, चमचम आदि बहुत प्रसिद्ध हैं, जो दूध व दूध से निर्मित पदार्थों से बनाई जाती हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर डायग्राम में बना कर दिया हुआ है, ये क्या है? मछली भात, ठीक है, और ये क्या है? रसगुल्ला, ये चमचम है, और ये क्या है? संदेश, ठीक है, ये क्या है? पूर्वी जो राज्य है, पूर्वी भारत है, उसके प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ हैं, जो किससे बनाए जाते हैं? दूध से। आगे दिया हुआ है, आपने क्या सीखा? अभी तक हमने जो पढ़ लिया है ऊपर, उसमें क्या सीखा, उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। जैसे कि पहले यहाँ पर क्या दिख रही है बच्चों हमको? चपाती, ठीक है, तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे? चपाती। फिर ये क्या है? चावल पुट्टू, तो इसके नीचे हम लिख देंगे चावल पुट्टू। और ये क्या है? संदेश, ठीक है, तो इसके नीचे हम संदेश लिख देंगे। आगे चलते हैं बच्चों, अगली हेडिंग है चौथे नंबर पर, पश्चिम भारतीय भोजन। अब पश्चिम भारत में किस प्रकार का भोजन खाया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पश्चिम भारतीय भोजन अपने विशेष स्वाद और विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में ताज़ी सब्जियों का अभाव होने के कारण यहाँ के लोग दालों और अचारों का अधिक प्रयोग करते हैं। श्रीखंड गुजरात की विशेष मिठाई है। कौन सी बच्चों? श्रीखंड, ठीक है, गुजरात की विशेष मिठाई है, जो दही और चीनी के मिश्रण से बनती है। किस किस के मिश्रण से बनती है? दही और चीनी के मिश्रण से बनती है। इसके अतिरिक्त ढोकला, थेपला,
खांडवी आदि यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन हैं। दाल बाटी चूरमा राजस्थान का प्रसिद्ध व्यंजन है। दाल बाटी चूरमा कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है बच्चों? राजस्थान का। ठीक है, आगे दिया हुआ है, महाराष्ट्र में सामान्यतः उत्तर और दक्षिण दोनों क्षेत्रों के मिश्रित पाल शैली देखने को मिलती है। तो बच्चों जो महाराष्ट्र है वहाँ पर जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भोजन खाया जाता है उनका मिश्रण मिलता है। ठीक है, दोनों तरह के भोजन खाती हैं वो। उत्तर भारत के लोग जैसा खाते हैं वैसा भी, और दक्षिण भारत के लोग खाते हैं वैसा भी खाती हैं। ठीक है, यही यहाँ लोग गेहूँ और चावल दोनों को समान रूप से पसंद करते हैं। ये झींगा मछली और पॉम्फ्रेट का सेवन अधिक करते हैं। भेलपूरी, पाव भाजी, बड़ा पाव आदि यहाँ खाए जाने वाले मुख्य व्यंजन हैं। ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ है क्या है? श्रीखंड, गुजरात की प्रसिद्ध मिठाई है जो किससे? दही और शक्कर के मिश्रण से बनती है। और ये क्या है बच्चों? भेलपूरी। ठीक है, और ये पाव भाजी, और ये है बड़ा पाव। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आगे दिया हुआ है मुख्य बिंदु, कुछ बिंदु दिए गए हैं उनको पढ़ते हैं हम। पहला बिंदु है, भारतीय भोजन अपने मसालों व जायके के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ठीक है बच्चों, मसाले और जो सलाद की सब्जियां होती हैं उनके लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। दूसरा पॉइंट है, क्षेत्रों के आधार पर भारतीय भोजन को मुख्यतः चार वर्गों में बांटा गया है, उत्तर भारतीय भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन, पूर्व भारतीय भोजन तथा पश्चिम भारतीय भोजन। इन सभी को बच्चों हम डिटेल में पढ़ चुके हैं अभी ऊपर। अगला पॉइंट है, उत्तर भारतीय भोजन अपने स्वाद और तड़के के लिए जाना जाता है, ये भी पढ़ चुके हैं। जो उत्तर भारत का भोजन है वो किस लिए जाना जाता है? स्वाद एवं तड़के के लिए। अगला पॉइंट है, दक्षिण भारतीय लोग चावल से बने पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं। तो जो दक्षिण भारत के लोग हैं बच्चों, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ठीक है, यहाँ के लोग किससे बने भोजन खाते हैं? चावल से बने। अगला पॉइंट है, पूर्व भारत में बंगाल व असम के लोगों का मुख्य भोजन मछली भात है। ठीक है बच्चों, ये कुछ पॉइंट थे जो पूरे कर लिए हम। इसी के साथ हमारा जो पाठ है वो पूरा हो चुका है। अगली वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों।